विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर भिलाई के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को भव्य रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें 5 बड़ी कंपनियों में 237 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए इस रोजगार मेले में भिलाई सहित आसपास के हजारों बेरोजगार युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान साक्षात्कार लेने वाली कंपनियों द्वारा सभी अभ्यर्थियों की जानकारी जुटाई गई। पूरे देश सहित भिलाई की भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और फिर भूल जाती हैं, और इन सब में देश का युवा रोजगार के इंतजार में कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। परंतु भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर दुर्ग जिला रोजगार कार्यालय एवं मार्गदर्शन केंद्र के सहयोग से भिलाई के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5 नियोक्ताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई और अपने प्रतिष्ठान में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रोजगार मेले में आए अभ्यर्थियों से साक्षात्कार किया। फिलहाल 5 नियोक्ताओं ने साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी एकत्रित कर ली है और साक्षात्कार भी कर लिया है। इसके बाद बहुत जल्द चयनित हुए अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो पाएगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर लगाए गए रोजगार मेले की जानकारी रोजगार अधिकारी राजकुमार कुर्रे ने मीडिया को दी। इसमें 8 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, लगभग 275 के आसपास वैकेंसी हमारे पास में है। इस वैकेंसी में एक्चुअली SBI लाइफ इंश्योरेंस का भी है और एविएशन सेक्टर की भी वैकेंसी है, और लोकल स्तर पे अगर देखा जाए तो NIIT प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास भी अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। इसके लिए आज का रोजगार मेला का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सर देखिए, हमने लगभग 1200 बच्चों को फॉर्म तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और लगातार उसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। जितने बच्चे लास्ट तक भी आएंगे उनको सबको हम लोग फॉर्म देंगे, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और साथ में सारे लोगों के इंटरव्यू भी कम्प्लीट कराएंगे। एक लंबे अंतराल के बाद यह पहला मौका है कि भिलाई क्षेत्र सहित आसपास के युवाओं में इस रोजगार मेले को लेकर काफी हर्ष देखा गया, और यह संभव हो पाया भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव की वजह से, जिसके लिए रोजगार मेले में अपना साक्षात्कार देने आए युवाओं ने हृदय से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।